कोयला के खिलाफ चकाई के माधोपुर में खनन विभाग और चंद्रमंडी पुलिस की छापेमारी, 3 ट्रैक्टर कोयला जब्त। जमुई खनन विभाग एवं चंद्रमंडी पुलिस ने अवैध कोयला और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। जमुई एसपी शौर्य सुमन के निर्देश पर जमुई खनन विभाग एवं चंद्रमंडी पुलिस ने माधोपुर स्थित फूटानी चौक के समीप पिछले 6 महीने से चल रहे अवैध कोयला डिपो पर छापेमारी कर 3 ट्रैक्टर कोयला बरामद किया है। बताया जाता है कि कोयला के खिलाफ छापेमारी और कार्रवाई की पल पल की मॉनिटरिंग डीएम एवं एसपी खुद अपने स्तर से कर रहे हैं। चंद्रमंडी थानाध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने बताया कि बरामद कोयला लगभग 400 घनफुट है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कोयला डिपो संचालक सुभाष राम माधोपुर के खिलाफ चंद्रमंडी थाना में अवैध कोयला भंडारण एवं तस्करी तथा परिवहन करने को लेकर केस दर्ज कर कोयला को जब्त कर लिया गया है। बताया गया कि माधोपुर के इलाके के 2 जगहों पर लगभग 6 माह से अवैध कोयला डिपो का संचालन किया जा रहा था। इधर पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। जमुई जिले सहित चकाई प्रखंड क्षेत्र की तमाम सभी खबरों को देखने के लिए चकाई लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।